ओके तो ये सब को हम कलेक्टिवली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है पार्ट का मतलब टाइप, स्पीच का मतलब शब्द. तो वी हैव गॉट 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर, एंड इन अ सेंटेंस वी हैव नथिंग बट दीज वर्ड्स. These words collectively make a sentence, right? तो सेंटेंस में अगर आपको शब्द तो दिखते ही हैं, वो सारे शब्द जो कोई ना कोई शब्द नाउन होंगे, कोई प्रोनाउन होंगे, कोई प्रेपोजिशन, कोई इंटरजेक्शन होंगे, ठीक है. अच्छा, अब हम ब्रीफली बात करेंगे, हालांकि हम ये सब के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, मगर फिलहाल हम ब्रीफली बात करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल, सारा. अब मुझे बताइए, कोई भी मुझे, मैं अंशुल से पूछ रही हूँ, अंशुल मुझे बताएंगे नाउन क्या होता है? अंशुल, नाउन क्या होता है? पढ़े होंगे स्कूल में, अंशुल है क्या क्लास में? बताइए नाउन क्या होता है? चलिए, अंशु की आवाज नहीं आ रही है मुझे. आयुष बताएंगे नाउन क्या होता है? चलो कोई भी मुझे बता दो भाई, नाउन क्या होता है? मुझे अच्छा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, मगर यहाँ पर मैं डेफिनेशन दे रही हूँ. नाउन इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आपको कुछ भी दिख रहा है, म्यूट करो, आपको कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, कुछ भी सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग इज नाउन. आपको मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल इज नाउन. मोबाइल के अंदर एक एक पुर्जा जो है ना, वो सारा का सारा नाउन है. आपने जो कपड़े पहने, वो कपड़े तक नाउन है. ओके, म्यूट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ म्यूट करो. ओके, आप सड़क में चल रहे हो, सड़क इज नाउन. स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी इज नाउन. स्कूटी के अंदर पेट्रोल है, वो तक नाउन है. स्कूटी रेड लाइट में रुकी है, रेड लाइट नाउन है. ट्रैफिक पुलिस नजर आ रहा है, ट्रैफिक पुलिस नाउन है. आपको पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ नाउन है. पेड़ में फल नाउन है, पेड़ का रूट नाउन है, ब्रांच नाउन है. एवरीथिंग इज नाउन. स्काई, मून, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यू जस्ट सी एंड यू जस्ट, दैट इज द नाउन ओनली. यू नेम इट एंड इट इज नाउन. तो नाउन का जो कैटेगराइजेशन है कि नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, तो हम नाउन को डीलिमिट कर रहे हैं, उसकी उसका डेफिनेशन को बहुत नैरो संकुचित कर रहे हैं. तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि सब कुछ नाउन है. इनफैक्ट ये जो एनीथिंग में मैं जो वाई लिखा है ना, दिस लेटर इज ऑल्सो नाउन. तो नाउन इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके, अच्छा, अब प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन मैं बता देती हूँ, उसका एकदम छोटा सा इसके लिस्ट है प्रोनाउन की, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, योर, आर, हिज, हर, ये सब सारे क्या है? प्रोनाउन है. अब ये प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, ये प्रोनाउन का काम क्या है? ये प्रोनाउन एक्चुअली नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हम ये प्रोनाउन यूज करते हैं. सपोज मैं बोलती हूँ टॉम इज गुड, टॉम स्टडीज हार्ड, टॉम गोज टू स्कूल एवरी डे, टॉम ओबेज हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स. आई एम रिपीटिंग टॉम, मतलब कि बार बार टॉम रिपीट हो रहा है, जिससे सेंटेंस की जो ब्यूटी है ना, वो खत्म हो गई. तो सेंटेंस की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम बार बार टॉम न रिपीट करके टॉम के बदले हम ये लिख सकते हैं, टॉम इज गुड, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही ओबेज हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स. इस तरह से अगर आप लोग छोटे बच्चे से बात करोगे ना, स्पेशली 3 साल के बच्चे से, तो आप लोग देखना कि बोलोगे ना, कभी भी ना छोटे बच्चे ना प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं. मेरी मम्मी ने मुझे खाना खिलाया, मेरे पापा मुझे घुमाने के लिए लेकर गए, ठीक है, वो लोग प्रोनाउन कभी यूज नहीं करते, या बहुत रेयर केस में यूज करते जब मैं या हम बोलेंगे, अदरवाइज हमेशा नाउन ही यूज करते. फिर स्कूल जाते हो तो उन लोगों को पता चलता है, अच्छे इसको अच्छे प्रोनाउन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, राइट. तो बच्चों वाला जो रिपीटेशन होता है ना, उससे बचने के लिए, थोड़ा मैच्योरिटी लाने के लिए, हमारी लैंग्वेज में मैच्योरिटी लाने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो. अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण, जिसका इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, अगर सिंपल वर्ड में, इसको हम लोग कहते हैं
डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी ऐसा शब्द जो डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब सपोज मैंने आप ले लीजिए, अगर सपोज मैंने ना मोदी ले लिया, ठीक है, द पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, राइट। अब ये मोदी इज नाउन, राइट, ठीक है ना। देखिए पीएम भी नाउन है, प्रेसिडेंट भी नाउन है, ठीक है, एक छोटा सा मामूली सा वर्कर जो है वो भी नाउन है, एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज नाउन, मैं नाउन हूँ, आप नाउन हूँ, राइट। तो वैसे ही मोदी इज नाउन। अब आपको इसको डिस्क्राइब करना है, ओके, एक शब्द में आप लोग को इसको आप डिस्क्राइब करिए, कोई एक शब्द आप बोलिए और जो मोदी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई एक शब्द, आप हिंदी भी बोल सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बताइए कोई भी। सिंसियर, चार्मिंग, ओके, यस, चार्मिंग, और ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट, बोल्ड, बोल्ड, courageous, तो ये जो वर्ड्स है ना ये सारे मोदी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोदी इज नाउन एंड दिस ऑनेस्ट बोल्ड सिंसियर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है और ये आप लोगों को बचपन से पढ़ाया जा रहा है, एडजेक्टिव विशेषण जो विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वेरी सिंपल। अब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एडजेक्टिव का एक और डेफिनेशन देती हूँ, वो हमेशा ध्यान रखना, लिखने की कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ बुक में है। एडजेक्टिव का एक और डेफिनेशन ये है कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो नाउन के पहले आता है, यानी नाउन के पहले आपको कोई भी शब्द दिख गया ना वो एडजेक्टिव होगा, फाइन। अब देखिए शुरू करते हैं, गुड बॉय, गुड क्या है, एडजेक्टिव, फाइन। वन बॉय, वन, एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले जो भी शब्द आएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन वो एडजेक्टिव ही होगा, ओके। अब मैंने लिखा फर्स्ट बॉय, फर्स्ट इज एन एडजेक्टिव, व्हाई, बिकॉज़ इट इज कमिंग बिफोर नाउन। अब मैंने लिखा दिस बॉय, दिस इज एन एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि बॉय के पहले आ रहा है, बॉय नाउन है, नाउन के पहले कुछ भी आएगा वो एडजेक्टिव ही होगा। अब मैंने लिखा हूज बॉय, अब बोलोगे ये क्वेश्चन वर्ड है, होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड होगा, मगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओके। अब मैंने लिखा अ बॉय, अ इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, आर्टिकल है ये, अ इज एन आर्टिकल, मगर ओरिजिनली एडजेक्टिव है और इसको एक कौन नाम दे दिया गया है, आर्टिकल का, फाइन। अब मैंने लिखा माई बॉय, तो माई भी एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है, तो इसको लोग स्टूडेंट्स यूजुअली इसको प्रोनाउन समझते हैं, मगर ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, यहीं से एरर पूछा जाता है, सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, आइडेंटिफाई करने को दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नाउन के पहले जो भी शब्द आ जाते हैं ना वो एडजेक्टिव होते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ओके, फाइन। अब हम वर्ब के, एडवर्ब में बाद में बताऊंगी, पहले वर्ब, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, मगर फिलहाल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एम इज आर वॉज वर हैज हैव हैड, ये सारी जो है ना वर्ब है, और फिर डू डज डिड है, फिर आपके ना मेन वर्ब्स आते हैं जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, जैसे प्ले, सिट, राइट, सिंग, ये सारे जो है जिसमें एक्शन होता है उसको भी हम वर्ब कहते हैं, फाइन। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब में वर्ब आ रहा है एट वर्ब, तो एडवर्ब ऐसा शब्द होता है, सभी कोई शब्द है, तो एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो अगर मैंने लिखा ही राइट्स, तो ठीक है वो लिखता है, मगर अब मुझे बताना है कि वो कैसे लिखता है, ही राइट्स केयरफुली, तो केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब, ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब, ही राइट्स स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब, तो व्हाट डज एडवर्ब डू, एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब,
तो हमारे पास जो नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सो कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत टेक्निकल टर्म में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ऐसे नौ प्रकार के शब्द है हमारे पास। उसमें से दो प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, वो है एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, राइट। उसके बाद हम आर्टिकल्स में आते हैं। इसकी बड़ी छोटी से फैमिली है ए एंड द, और CAPF में आर्टिकल्स पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हम पढ़ेंगे आगे। अब हम कंजंक्शन पे आते हैं। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। तो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर लेगा, दो कहने का मतलब दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर लेगा, जो हम पढ़ने वाले हैं इसी सेशन में कि फ्रेज क्या होता है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर लेगा, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर लेगा। तो कंजंक्शन ज्वाइन करता है। तो कैसे कंजंक्शन होते हैं, जैसे एंड है, बट है, WH वर्ड भी कंजंक्शन का काम करते हैं। वी हैव गॉट however, although, ये सारे कंजंक्शन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और CAPF एग्जाम के लिए कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन सबसे खतरनाक चैप्टर मुझे यही लगता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है और ये इसमें समझने का बहुत कम है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है इसमें, ज्यादातर रटने का ही है। प्रेपोजिशन एट, ऑन, इन, ऑफ, फ्रॉम, ये सारे प्रेपोजिशन है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हमारे पास इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक शब्द। कहने का मतलब है ऐसे शब्द, सभी कुछ शब्द है, ये चीज कभी मत भूलना, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कोई मतलब कुछ अलग सा कुछ नहीं, एलियन टाइप का नहीं है, ये सारे शब्द है। तो इंटरजेक्शन इज ऑल्सो अ वर्ड, ठीक है। वो कब यूज होता है, जैसे समथिंग यू से विदाउट प्लानिंग, सडनली, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, तो वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे ब्रेवो, हुर्रे, वाह, मजा आ गया, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये वाह हिंदी में वाह बोलते हैं। तो ये विस्मय आदि बोधक शब्द है। तो इसके लिए हम लोग जब भी जैसे वाह, अल्लाज, ब्रेवो, हिपिफुर्रे, तो इसमें ना ये सब वर्ड्स यूज करके फिर हम ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। तो ये जो ना अलाज, ब्रेवो, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, जिसको इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, और इसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे चीज आपको, ये सारे शब्द आपको बहुत डिटेल में इस ग्रामर के बैच में आप पढ़ोगे, फाइन। अब मैं ये सेंटेंस में आती हूँ। इट इज गुड, आई हैव एन आईफोन, टॉम प्लेस क्रिकेट। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस अभी देखेंगे, और मेरा जो क्वेश्चन है, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो अमित सिंह से है, ठीक है। अमित, आप मुझे बताएंगे, अनम्यूट कर लेना। इट इज गुड, अब मुझे बताइए ये इट क्या है, कौन सा शब्द है इसमें? मैम, इसको नाउन बोल सकते हैं। करेक्ट, इट क्या है, प्रोनाउन है। अमित आप बताओ, इज क्या है, इज क्या है, कौन सा शब्द है, क्योंकि राइट। देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूं कि सेंटेंस में जो शब्द होते हैं ना, वो यही सारे शब्द होते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और गुड क्या है अमित? एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट मुझे अमर आप बताएंगे, अमर क्लास में है, अमर आप मुझे बताएंगे आई हैव एन आईफोन में आई क्या है? अमर हो क्लास में आप? अमर अगर नहीं है तो रजत बताएंगे, रजत बताइए आई क्या Hello. है? हाँ, हेलो मैम, आई एम इन क्लास। हाँ बताइए मैम, आई इज द प्रोनाउन। प्रोनाउन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हैव क्या है अमर? एम हैव वर्ब। वेरी नाइस। एंड क्या है? एंड विल बी कंजंक्शन। अच्छे से देखो, यहाँ पर देखो, ये रहा एंड, तो क्या होगा, आर्टिकल्स। एंड क्या है? आर्टिकल, राइट। और आईफोन क्या है? आईफोन में भी नाउन।
वेरी नाइस. अरे कोई भी फोन हो, सारा फोन नाउन है, फोन के अंदर सारे पुर्जे नाउन है, तो मैं मतलब क्या है ना, आईफोन हो या कीपैड फोन हो. नेक्स्ट विनीत, क्लास में हो? यस मैम. ओके. टॉम प्लेज क्रिकेट, बताइए टॉम क्या है? नाउन. वेरी नाइस. प्लेज क्या है? वर्ब. वेरी नाइस. क्रिकेट क्या है? नाउन. वेरी नाइस. ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे पास से ना सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहेंगे, जो भी शब्द दिखेंगे वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड है, शब्द है, फाइन. अच्छा, अब मेरा जो सवाल है वो ये है, मुझे राजमणि बताएंगे कि ये वाले क्या कोई, मेरा क्वेश्चन है राजमणि से कि क्या कोई सेंटेंस, क्या कोई सेंटेंस नाउन के बिना बन सकता है? राजमणि, क्या कोई सेंटेंस यस मैम नाउन के बिना बन सकता है? यस. नाउन किसी को लग रहा है कि सेंटेंस एग्जांपल है? हाँ, फर्स्ट एग्जांपल, राइट. सेंटेंस नाउन के बिना बन सकता है, इसमें नाउन है ही नहीं. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमणि आप ही बताएंगे, क्या कोई सेंटेंस प्रोनाउन के बिना बन सकता है? यस मैम, बन सकता है. कैसे पता? थर्ड एग्जांपल में कोई प्रोनाउन नहीं. हाँ, कोई प्रोनाउन नहीं है. ठीक है, तो नाउन के बिना हम सेंटेंस बना सकते हैं, प्रोनाउन के बिना भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. क्या कोई सेंटेंस एडजेक्टिव के बिना बन सकता है? यस मैम, बन सकता है. Tom plays cricket. There isn't any adjective in a sentence, right? तो हम adjective के बिना भी sentence बना सकते हैं. क्या कोई sentence adverb के बिना बन सकता है? Yes ma'am. तीनों sentence में किसी में नहीं है. Right. क्या कोई sentence article के बिना बन सकता है? Yes ma'am. Yes ma'am. First and third. हाँ, article है ही नहीं. तो इसके बिना भी नहीं बन सकता. Conjunction के बिना बन सकता है? जितने भी आर्ट है आप इसके बिना आप सेंटेंस बना सकते हो, मगर किसके बिना नहीं बना सकते हो? वर्ब के बिना. वर्ब यहाँ पर है, हैव वर्ब है, प्लेस वर्ब है. तो आप एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं बना पाओगे जिसमें वर्ब नहीं है. इनफैक्ट अगर आपने ऐसा सेंटेंस बना भी दिया जिसमें वर्ब नहीं है, तो फिर वो सेंटेंस ही नहीं है. समझ जाओ कि वो सेंटेंस ही नहीं है. ऐसा सेंटेंस आप बोलोगे, एक सेंटेंस आपने लिख दिया उसमें वर्ब नहीं है, और बोलोगे मैम ये सेंटेंस है. नो, इट इज नॉट अ सेंटेंस. वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ अ सेंटेंस. इट इज अ हार्ट ऑफ द सेंटेंस. दिल को निकालो, सेंटेंस डेड, मर गया सेंटेंस, वो सेंटेंस ही नहीं है. फिर उसको तुम आप सेंटेंस नहीं बोल सकते हो. ठीक है, इनफैक्ट वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो वो सिर्फ वर्ब है. इतना स्ट्रॉन्ग है, कहने का मतलब बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना हल्के फुल्के वीक है. कैसे? देखो, अगर नाउन को सेंटेंस बताना है तो वो बेचारा वर्ब पे डिपेंडेंट रहेगा. भाई सेंटेंस बनाना है, आ जाओ, मैं अकेला तो सेंटेंस बना नहीं सकता. प्रोनाउन को सेंटेंस बनाना है तो वो भी वर्ब पर डिपेंडेंट रहेगा. ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, किसी को भी सेंटेंस बनाना है, ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी डिपेंडेंट ऑन वर्ब. इसीलिए हल्के फुल्के वीक होते हैं. जो भी डिपेंडेंट होंगे वो वीक ही रहेंगे हल्के फुल्के, मगर वर्ब इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर वर्ब को सेंटेंस बनाना है ना, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने बलबूते पर एक सेंटेंस को खड़ा कर सकता है. ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन ईशा अग्रवाल से पूछ रही हूँ. ईशा मुझे बताएंगे कि एक कोई ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें सिर्फ वर्ब है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है. कोई एक सेंटेंस ऐसा ईशा बना के बताएंगे? यस, म्यूट कर लो, अनम्यूट करो और फिर सोचो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको सुनाई दिया है. यस मैम. बताइए ईशा, कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ वर्ब है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है. रीडिंग इज गुड. नो, reading is good. If you say reading is good, तो good is an adjective. Yes ma'am. हाँ, तो आपको use नहीं करना है, आपको सिर्फ verb use करना है. अब ऐसा sentence बनाइए जिसमें सिर्फ verb है और कुछ भी नहीं है.
क्योंकि मैंने बोला ना वर्ब एक इंडिपेंडेंट एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच है मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वन तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ चलिए अब और कोई बताइए जिसने मेरी क्लास नहीं अटेंड यूट्यूब वाला वॉच नहीं किया वो ही बताएंगे डू एक्सरसाइज को भी छोड़ो गो गेट आउट स्टडी गेट आउट मैम गेट आउट भी छोड़ो आउट प्रेपोजिशन है ठीक है कम सेट स्लीप अब समझ में आ रहा है आप लोगों को गो इज अ सेंटेंस गो फुल स्टॉप दे दो ये सेंटेंस है पूरा का पूरा इसमें जो सब्जेक्ट है ना यू इट इज हिडन एंड वर्ब डजंट नीड एनी सब्जेक्ट हो गया बन गया सेंटेंस यस ठीक है आपको अब समझ में आ गया ना वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये बता दूं कि CDS का स्पेशली और SSC का मैं बता रही हूँ SSC में टीयर 2 जो मेंस एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स की पूछी जाती है उसमें 45% क्वेश्चन वर्ब पर होते हैं 45% क्वेश्चन CDS में 120 क्वेश्चंस पूछा जाता है और मुझे अब ध्यान नहीं है कौन से साल का क्वेश्चन पेपर था जिसमें 20 स्पॉटिंग एरर आया था उसमें 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस 20 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में 12 क्वेश्चंस वर्ब पर था आप सोच सकते हो वर्ब पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पहला रीजन यही है क्योंकि वर्ब हर सेंटेंस में आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए फर्स्ट रीजन दूसरा रीजन ये है वर्ब पे क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है करना क्या होता है या तो पूरे सेंटेंस से वर्ब ही हटा दो एरर हो गया फाइंड आउट करो सेंटेंस पूरा बना देंगे वर्ब ही हटा देंगे एरर हो गया दूसरा आसान एक और आसान क्या होता है भाई वर्ब पे क्वेश्चन बनाना है तो इसको वॉज कर दो वॉज को वर्ब कर दो हैज को हैड कर दो प्ले को प्लेस कर दो प्लेइंग कर दो खत्म बन गया क्वेश्चन तो वर्ब पे क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है और वर्ब इंपॉर्टेंट भी इसलिए रीजन यही है कि वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जिसपे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है तो वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है और उसका यूसेज भी क्लियर होना बहुत जरूरी है अब देखिए इस सेंटेंस पे हम इन तीनों सेंटेंसेस पे हम वापस आते हैं अब देखिए आप लोगों को पता है कि सेंटेंसेस वर्ड्स से बनते हैं इट इज गुड आई हैव एन आईफोन अब आपको पता है ये इट जो है प्रोनाउन है तो आप बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में पढ़ोगे क्या आप लोग ये पढ़ोगे कि प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आता है तो उसका रूल क्या है किस तरह से प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करें ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहे तो अगर हम चाहते हैं प्रोनाउन को यूज करना सेंटेंस में ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहे तो ऑब्वियसली मुझे प्रोनाउन के रूल्स पता होने चाहिए उसको यूज करने का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है प्रोनाउन को वो पता होना चाहिए तभी मैं प्रोनाउन का यूसेज सही करूंगी इसीलिए आप जब प्रोनाउन पढ़ोगे तो इसके रूल्स पढ़ोगे सेम इज द केस विथ नाउन अब नाउन भी सेंटेंस में आ रहा है सो यू नीड टू नो how to use noun in a sentence so that you can frame a grammatically correct sentence to ye janne ke liye you will study noun ka rules theek hai वैसे ही adjective ko use karna sentence mein taki grammatically correct rahe to adjective ka rules adverb ka rules verb ka rules articles conjunction preposition interjection pura ye grammar ke batch mein na aap sirf rules hi padhoge koi koi student kehta ma'am aap to sirf rules bata rahe main kya karu रूल्स ही रूल्स है ठीक है तो आपको ग्रामर में यू विल स्टडी और यू विल लर्न नथिंग बट रूल्स और वो रूल्स आपको बताएगा कि किस तरह से आप एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना सकते हो रूल्स आपको बताएगा आपको आपको मदद करेगा कि एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी मदद करेगा ठीक है तो हम ग्रामर में सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि ये ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम रूल्स समझे और इस तरह से ताकि जो मेन हमारा गोल है एग्जाम क्लियर होने का वो हो और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि रूल्स को कोई भी रट्टाफाई नहीं करेगा छोटे बच्चों की तरह अगर आप चाहते हो कि मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं या बताने वाली हूँ वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए छप जाए तो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू कैन मतलब बहुत क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तभी रूल्स जो छपेंगे दिमाग में सिर्फ रट्टाफिकेशन से नहीं होगा
ठीक है प्रेपोजिशन आई अंडरस्टैंड यू हैव टू यू नो मग अप द रूल्स क्रैम द रूल्स मगर बाकी सब में और आर्टिकल्स में भी टू सम एक्सटेंट मगर बाकी सब में यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है. अच्छा अब मैं इसको मैं क्लियर कर रही हूँ किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सब कुछ ऑलरेडी बुक में है. फाइन अब देखिए जो सेंटेंस होता है ना उस सेंटेंस का ब्रॉडली हम सेंटेंस को तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ओके आई विल जस्ट रिमूव दिस लाइन. तीन ब्रॉड कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स. ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स सॉरी दिस इज फाइन. ओके अब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था इट इज गुड है ना. इट सब्जेक्ट इज गुड. फिर मैंने दिया था आई हैव एन आईफोन तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स. कोई कोई कहते हैं मैम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा है ना. हम लोग स्कूल डेज में पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. कोई कोई बोलता है मैम सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट होता है. मगर देखिए ऑब्जेक्ट बोलने से ना थोड़ा रिस्की है. रिस्की इसलिए है क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है. जैसे गुड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकती हूँ. अब प्रेडिकेट बोलते हैं तो प्रेडिकेट रिस्की नहीं है मगर प्रेडिकेट बहुत भारी भरकम सा शब्द है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड भी नहीं है. मतलब प्रेडिकेट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. अब अगर मैं बोलूँ आप खुद भी एक्सप्लेन करो तो मुश्किल है. इसीलिए एकदम सिंपल टर्म में मैंने अदर वर्ड्स यूज कर दिया. अदर वर्ड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई. अदर वर्ड्स वर्ड्स क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं. नाउन वर्ड है वो भी आ सकता है. प्रोनाउन आ सकता है. एडजेक्टिव एडवर्ब आर्टिकल प्रेपोजिशन कंजंक्शन अदर वर्ड्स में कुछ भी आ सकता है राइट. फाइन अब जैसे मैंने लिखा टॉम प्लेस क्रिकेट. फाइन तो सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स गॉट इट. अब देखिए मैंने आपको कहा है कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा जो चैप्टर है जो मैं आप लोगों को अभी मैं स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ. इम्पोर्टेंट है वो चीज मुझे बताना ठीक है. ये बुक आप लोगों को मिली है फाइन. उसका इंडेक्स इंडेक्स में आप देखोगे कि ये तो खैर इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर है मगर चैप्टर सेकंड से लेकर सिंस वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर सेकंड से लेकर चैप्टर 15 तक ये जो समरी ऑफ वर्ब्स यानी सेकेंड चैप्टर से 15 चैप्टर तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं यानी टोटल 14 चैप्टर्स हैं वो सारे वर्ब बेस्ड हैं डायरेक्टली लिंक्ड टू वर्ब्स. सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट टाइम एडजस्टमेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब कंफ्यूजिंग वर्ब टेंस बेस्ड ऑन वर्ब. टेंस पूरा वर्ब का खेल है. मोडास पूरा वर्ब. मोडास क्या है वर्ब ही है. कंडीशनल सेंटेंस पूरा वर्ब का खेल. इंटरोगेटिव सेंटेंस कहने को इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड मगर ये भी पूरा वर्ब का खेल है. क्वेश्चन टैग पूरा वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन पूरा वर्ब. जीरंड इन्फिनिटिव ये भी जीरंड वर्ब ही होता है. इन्फिनिटिव भी वर्ब होता है. वॉइस पूरा वर्ब का खेल. पार्टिसिपल पार्टिसिपल को वर्ब ही कहते हैं. फिर समरी यानी जब पूरा चैप्टर 14 तक हम पार्टिसिपल पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद जितना भी वर्ब आपने पढ़ा है उसकी कंप्लीट एंड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ब्रीफ वो हम लोग समरी ऑफ वर्ब्स में करेंगे. यानी आप समरी ऑफ वर्ब जब मैं चैप्टर करवाऊंगी तो आपका पूरा चैप्टर अपने आप रिवाइज होता जाएगा. बाकी पीछे के जो चैप्टर्स हैं पिछले चैप्टर्स वो सारे आपके रिवाइज होते जाएंगे समरी ऑफ वर्ब्स में. जैसे चैप्टर 15 खत्म होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का वर्ब पूरा दिमाग में छप चुका है क्योंकि बाय दिस टाइम आप लोग वर्ब पे पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे. पूरा टेस्ट दे चुके होंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. ओके उसके बाद 16th जो है वो भी वर्ब वाला है मगर ये
पूरा वर्ब बेस्ड ही है, मगर इसमें हमें ना सब कुछ बता देते हैं, उसमें ये बहुत इजी हो जाता है जब हम ये समरी ऑफ वर्ब्स कर देते हैं, ये वाला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो अपने आप इजी हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें है ना, ये कंजंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, एडजेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे वर्ब से वर्ब बेस्ड होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों का वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप यहाँ पर चाहे डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो, कंजंक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो, या सेंटेंस टाइप एसर्टिव से, नेगेटिव से, इंटरोगेटिव, आप आराम से कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो आप चैप्टर 22 देख रहे हैं या ये वाला देख रहे हैं, नाउन एंड नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, एडवांस लेवल, डब, ये दो चैप्टर है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो तीन कॉम्पोनेंट मैंने बताया ना, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स, तो सब्जेक्ट वाला नाउन नंबर में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ये सब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा। डबल नेगेटिव एरर आपका अदर वर्ड्स में आएगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट में आएगा, आर्टिकल्स अदर वर्ड्स में आएंगे, एडवर्ब भी अदर वर्ड्स में आएंगे, और ये सब प्रेपोजिशन ये सारे अदर वर्ड्स में आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो चैप्टर का जो कैटेगराइजेशन किया है वो तीन पार्ट में किया है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स। सबसे पहले हम वर्ब को डील करेंगे, उसके बाद हम कभी सब्जेक्ट को डील करें, कभी अदर वर्ड्स, मगर वर्ब हम पहले ही खत्म कर देंगे। और जिससे आप लोगों का जो मैंने आपको बताया वर्ब लाइफ लाइन है और हार्ट ऑफ द सेंटेंस से सेंटेंस डेड हो जाता है बिना वर्ब के, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर जो CAPF के स्टूडेंट्स है जो राइटिंग सेक्शन जो राइटिंग करते हैं, एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट लिखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस अगर मैं फ्रेम कर रहा हूँ उसमें वर्ब आना ही आना है। अब मैं शेयर कर रही हूँ एक आंसर स्क्रिप्ट, खुशवीर सिंह का आंसर स्क्रिप्ट है, जिसने 2021 का जो टेस्ट पेपर मैंने कंडक्ट करवाया था उसमें उसमें उसने ना वो अटेम्प्ट किया था उसने टेस्ट पेपर, ठीक है, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, एक सेकंड, लेट मी ओपन दैट फाइल। ये खुशवीर सिंह का है, ठीक है, इसको 50 बनाया था ऐसे, तो वे बहुत हार्डवर्किंग है मगर इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब आप देखो, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन, राइट, देखिए मैंने इसमें वर्ब जोड़ा वाज, ठीक है, इसमें वर्ब की गलती की गॉट, ये वर्ब यूज नहीं करता है और सेंटेंस बना देता है, ठीक है, इज। अब देखिए ज्यादातर मैं इसमें वर्ब ऐड कर रही हूं, देखिए लीडिंग वर्ब ऐड किया, इज वर्ब ऐड किया, यहाँ पे वर्ब ऐड किया, तो ये ना सेंटेंस फ्रेम कर रहा है खुशवीर, मगर बिना वर्ब के सेंटेंस फ्रेम कर रहा है। ओके, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जो भी ज्यादातर इसमें CAPF के स्टूडेंट्स हैं, कि जब भी आप लोग है ना सेंटेंस बनाते हो तो ध्यान रखो कि आपने वर्ब सही वर्ब लगाया है या नहीं, सही लगाया गलत लगाया वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में जाऊंगी, क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आशीष बताइए। जी मैम, मुझे ये पूछना था मैम कि जो वर्ब और एडवर्ब में क्या डिफरेंस क्या होता है मैम? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एडवर्ब जो है डिस्क्राइब करता है वर्ब को, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए। जैसे ही राइट्स, ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, ठीक है, ही राइट्स केयरफुली, कैसे लिखता है केयरफुली, ही प्लेज मैम केयरफुली, तब एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे केयरफुली एडवर्ब भी होगा या एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। हाँ देखिए, अब मैं आपको बताऊं, ये सब चीज आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेशली CDS में ना ये सबसे बड़ा मतलब इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10-15 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। देखो केयरफुल जो है ना, That is an adjective. He is careful. He walks carefully. Walk कैसे कर रहा है? Carefully. वो क्या है? वो बच्चा क्या है? Careful है. चलता कैसे है? Carefully. तो आप देखिए describe किसको किया जा रहा है? Noun को किया जा रहा है तो adjective, he is careful. Verb को किया जा रहा है तो adverb हो गया वो. राइट और वैसे भी आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो मैंने बहुत ब्रीफली एकदम समझ लीजिए, मैंने ना
एकदम आइसबर्ग का टिप ही टच किया मैंने, मैं अंदर तो इसमें घुसी ही नहीं हूँ. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. इसके अलावा और कुछ? ओके, चलिए हम आगे शुरू करते हैं. नेक्स्ट इसको मैं क्लियर कर देती हूँ. अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में जो सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सेंटेंस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लेटर कहते हैं. ठीक है, तो आपको पता ही होगा लेटर क्या होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, यू नो ये सारे लेटर्स हैं. तो ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा यूनिट सेंटेंस का कौन सा होता है, वो है वर्ड होता है. तो अभी तो हमने वर्ड पढ़ा ही है. वर्ड कौन कौन से होते हैं? 9 प्रकार के शब्द होते हैं हमारे पास, नाउन प्रोनाउन. ठीक है, तो जैसे अगर सपोज मैंने इसमें लिख दिया, सपोज मैंने इसमें अ लिख दिया तो इट इज अ लेटर. ठीक है, अब मैंने वर्ड लिख दिया एप्पल. ठीक है, और ये वर्ड कौन सा वर्ड है बता सकते हैं? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है. नाउन है, राइट. अब सबसे छोटा लेटर, उससे बड़ा शब्द, और उससे बड़ा क्या होता है? फ्रेज, राइट. उससे बड़ा फ्रेज होता है. तो फ्रेज मैंने लिख दिया. अब फ्रेज कैसा होता है? देखो, वर्ड एक शब्द का होगा, लेटर यू नो दैट. ओके, फ्रेज में ना आपका एक चीज ध्यान रखोगे, फ्रेज में पहला कॉन्सेप्ट आप फ्रेज में याद रखना कि फ्रेज में हमेशा मोर देन वन वर्ड रहेगा. फ्रेज में मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड को आप फ्रेज नहीं कह सकते. इसको फ्रेज नहीं कहोगे, इसको शब्द कहोगे, वर्ड कहोगे. अगर एक शब्द से ज्यादा होगा तो वो फ्रेज होगा, ये चीज ध्यान रखना. दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी फ्रेज में आपका कंप्लीट थॉट नहीं मिलेगा. एक सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं, ही ईट्स एन एप्पल डेली, तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट थॉट मिल रहा है, मगर फ्रेज में आपका हमेशा इनकम्प्लीट थॉट होगा, या वो फ्रेज एक पूरा कंप्लीट मीनिंग कन्वे कभी भी नहीं करेगी, है ना, इनकम्प्लीट थॉट रहेगा. फाइन, तो सपोज मैंने लिख दिया और हाँ, फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं होता है, कभी नहीं होता है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है एन एप्पल, मोर देन वन वर्ड, इनकम्प्लीट थॉट, ठीक है, और कोई वर्ब नहीं है, ये फ्रेज हो गया. ठीक है, सपोज अब मैं देखो, अभी नहीं, अभी रहने दो. फाइन, अच्छा, अब उससे बड़ा क्या होता है? नेक्स्ट, छोटा लेटर, उससे बड़ा शब्द, उसके बड़ा फ्रेज. अब उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा होता है क्लॉज. नो, फर्स्ट क्लॉज होगा, हाँ, उसके बाद सेंटेंस आएगा क्लॉज. अब क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज जैसे अभी किसी ने बोला सेंटेंस, तो मैं क्लॉज को सेंटेंस ही बोलूंगी. ये स्मॉल सेंटेंस होता है, मगर इसका सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये ना क्लॉज जो है, ये पार्ट होता है ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. एक कंप्लीट सेंटेंस जो होगा ना, उसका ये एक छोटा सा पार्ट होगा. और क्लॉज की सबसे खास बात पता है क्या है? उसमें वर्ब होगा. जिस अगर आप लोग बुक पढ़ोगे तो उसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयरिंग होगा. मैंने बुक में लिख दिया है पेयरिंग, मगर सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग क्या होता है वो मैं आपको, ये वाला जो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं बताऊंगी सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग क्या होता है. फिलहाल आप ध्यान रखो, जैसे इसमें ना सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग नहीं होता है फ्रेज में. क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग इज द वाइटल पार्ट ऑफ द क्लॉज. ओके, ये चीज ध्यान रखना कि सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग होना ही होना है क्लॉज में. ठीक है, और क्लॉज जो है ना, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको वो फॉलो करता है. क्लॉज सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा.
ओके अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज मैंने लिखा, जैसे मैं बुक का एग्जांपल देती हूँ क्लॉज का. फिर हम बुक में देखेंगे, ठीक है. इसी वर्क्स हार्ड ही विल पास, ठीक है. सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं. सेंटेंस को कैसे समझेंगे? सेंटेंस को तोड़ तोड़ के समझेंगे, राइट. जैसे हमने कैसे तोड़ेंगे उसको, शब्दों में ब्रेक कर देंगे. तो पहला शब्द है इफ. तो इफ कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है कोई बता सकता है? इफ कौन सा शब्द? कंजंक्शन है, ठीक है. फिर हमारा ही है प्रोनाउन, राइट. वर्क है वर्ब, हार्ड एडवर्ब, ही प्रोनाउन, विल वर्ब, पास वर्ब, ठीक है. तो ये कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है. किसको ज्वाइन कर रहा है? दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है स्टूडेंट. ही वर्क्स हार्ड एक क्लॉज, ही विल पास दूसरा क्लॉज. तो ये, इसको मैं क्लॉज क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये स्मॉल सेंटेंस है. क्यों सेंटेंस है? क्योंकि ये सब्जेक्ट और इसमें वर्ब का पेयरिंग है. सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयरिंग है और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. ही सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब, ठीक है. और ये इट इज अ, दिस ही वर्क्स हार्ड, ये पार्ट है कंप्लीट सेंटेंस का. अब आपको समझ में आ रहा है क्लॉज क्या है? क्लॉज स्मॉल सेंटेंस है. ये स्मॉल सेंटेंस अगर इससे यहां से लेकर यहां तक कंपेयर करें, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट. अब इस सेंटेंस का छोटा सा हिस्सा ये है और ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड, मगर ये पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस है. इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग है और ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. तो क्लॉज इज द पार्ट, इज अ सेंटेंस that is the part of a complete sentence, right? Clear ho gaya? Okay, aage badhe. Ab sentence kya hota hai? Sentence ye pura ka pura hai. Ab sentence mein bhi sab kuch aayega. Subject verb pairing hoga. Subject verb sentence mein jo teen broad components hote hai, wo sare teen broad components honge verb, theek hai. Aur last mein full stop hoga. तो ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट सेंटेंस है. अच्छा, फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होता है, मगर क्लॉज में इस क्लॉज का ना हम लोग ना एक हिस्सा निकाल देंगे ना, दैट सेंटेंस का एक हिस्सा निकाल देंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा वो क्लॉज हो जाएगा. मगर पूरा कंप्लीट हम ले लेते हैं ना तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. तो गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया? अब मैं एक बार बुक में आप लोगों को बता देती हूँ. ओके एक सेकेंड, आई विल ओपन द बुक. देखिए, अगर आप लोग बुक पढ़ोगे ना तो बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है. और ये जितना डिटेल है ना वो सारा मैंने, मुझे पढ़ाना है जब चैप्टर्स आएंगे नाउन के प्रोनाउन के, और इससे भी कहीं डीपली हमें जाना है. तो आप एक बार इसको एक रीडिंग लगा लेना, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद हम फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज अ ग्रुप ऑफ पेयर्ड वर्ड्स दैट एंड डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब पेयरिंग, जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है. फ्रेज doesn't follow the structure of a sentence. Structure क्या होता है sentence का? Subject, verb and other words. Sentence में तीन components आते हैं, okay? A phrase cannot convey a complete thought. Nakul eats cake daily. This sentence has no phrases. All the parts of the sentence are single word. Nakul एक word, eats cake, eats verb, cake noun, daily adverb. तो इसमें कोई phrase नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, माई कजन नकुल. अब नकुल के बगल में माई कजन लिख लिया तो अब ये पूरा का पूरा फ्रेज हो गया. माई कजन नकुल इज अ थ्री वर्ड फ्रेज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है. अब अगर आप बोलोगे कि मैम नकुल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये भी फ्रेज हो जाएगा, मगर हम इसको फ्रेज नहीं मान सकते नकुल को,
क्योंकि ना सब फ्रेज में ना कम से कम दो वर्ड्स तो होने चाहिए, राइट? तो इसीलिए अगर केक के पहले अ लग जाता या अ पीस ऑफ केक, नकुल ईट्स अ पीस ऑफ केक डेली, तो अ पीस ऑफ केक ये पूरा फ्रेज बन जाता, अ आर्टिकल पीस नाउन ऑफ प्रपोजिशन केक नाउन, अब ये पूरा फ्रेज बन जाता। मगर यहाँ पे नकुल नाउन एक शब्द, ईट वर्ब एक शब्द, केक नाउन एक शब्द, डेली एडवर्ब एक शब्द, तो इसमें फ्रेज नहीं है। मगर अब आप यहां पर देखो, ईट्स वर्ब है, इसके पहले ये पूरा सब्जेक्ट आ गया, माई कजन नकुल, तो माई एडजेक्टिव कजन नाउन नकुल, तो ये पूरा फ्रेज बन गया। अब आगे देखना, माई कजन नकुल ईट्स केक ड्यूरिंग द वीक, अब ड्यूरिंग प्रपोजिशन द आर्टिकल वीक नाउन, ये पूरा फ्रेज बन गया, गॉट इट? तो इस सेंटेंस में हमारे पास माई कजन नकुल एक फ्रेज और ड्यूरिंग द वीक ये एक और फ्रेज। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? तो CDS के स्टूडेंट्स, आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ्रेज भी आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लॉज, इट इज अ स्मॉल सेंटेंस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। अ सेंटेंस कैन हैव टू और मोर देन टू क्लॉज जॉइंड बाय कंजंक्शन। अब देखो, कंजंक्शन एक है तो वो दो ही क्लॉज को ज्वाइन करेगा, एक कंजंक्शन दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। अब दो कंजंक्शन होगा तो वो तीन क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा, तीन कंजंक्शन होंगे तो चार क्लॉजेस को, तो ऐसे सेंटेंसेस लंबे होंगे और क्लॉजेस ज्यादा होते रहेंगे, तो वो भी हमें पढ़ना है बाद में। और जितने भी क्लॉजेस हैं उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयरिंग होगा, एक क्लॉज में आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, राइट? इट फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, हियर टू क्लॉजेस, ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो हमारे पास दो क्लॉजेस है, ठीक है? कंजंक्शन इफ है, each of the two clauses, दोनों clauses में आपका subject और verb का pairing है, he will, he works, God will give us whatever we desire, but we need to surrender unto him, God will give us, इसमें कोई identify कर सकता है कौन सा conjunction है? मैम, but is whatever, good or but, Yes, दो कंजंक्शन है, इसका मतलब तीन क्लॉजेज हो गए, और ये सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके? टाइम एडजस्टमेंट में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, मगर फिलहाल तो व्हाटएवर इज अ कंजंक्शन, तो व्हाटएवर किसको ज्वाइन कर रहा है? गॉड विल गिव अस, और वी डिजायर को ज्वाइन कर रहा है, तो गॉड सब्जेक्ट विल वर्क, सब्जेक्ट वर्क का पेयरिंग है, तो ये गॉड विल गिव अस, ये पूरा का पूरा क्लॉज, फिर व्हाटएवर कंजंक्शन, वी डिजायर इज is another clause that has got subject and verb pairing, we subject desire verb, फिर but conjunction है, फिर conjunction, ये but conjunction किसको join कर रहा है? We desire or we need to surrender, okay? तो we subject need verb, तो इसमें देखो हमारे पास तीन clauses हैं, God will give us, we desire, we need to surrender, okay? Each of the three clauses has a subject verb pairing. अब हम आते हैं sentence में. A sentence is a complete sentence that may have one or more than one subject verb pairing. इसका मतलब है sentence ऐसा sentence होता है, complete sentence होता है जिसमें subject verb pairing एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा होगा तो अगर एक subject verb pairing है इट्स अ complete sentence, अगर दो subject verb pairing है तो इसमें दो clauses है और वो पूरा का पूरा एक complete sentence हो जाएगा. A sentence may have one or more than one clause within it, obviously. It follows the structure of sentence. If he works hard, he will pass. ये मैंने आपको बता दिया. What do you need to live peacefully? इसमें कहीं पर भी आपका ना you won't find any conjunction. इसमें कोई conjunction नहीं है. इसमें subject है और verb है, right? तो ये पूरा का पूरा complete sentence है जिसमें एक ही clause है. What do you need to live peacefully? What a beautiful baby. तो this is an exclamatory sentence. और ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें एक ही क्लॉज है, राइट? तो हायरार्की ऑफ वर्ड यूनिट्स, वर्ड सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस जैसे कॉर्न, फ्रेज वन और मोर कनेक्टेड वर्ड बेबी कॉर्न, क्लॉज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब पेयरिंग, आई ईट बेबी कॉर्न व्हेन आई एम हंग्री, तो क्लॉज हो गया आई ईट बेबी कॉर्न, कॉर्न भी होना चाहिए, ठीक है? I eat baby corn, ये पूरा का पूरा क्लॉज होगा, फिर कंप्लीट सेंटेंस ये पूरा मैंने अंडरलाइन कर दिया, I eat baby corn, got it? तो सबसे छोटा यूनिट लेटर, उससे बड़ा वर्ड, उससे बड़ा फ्रेज, उससे बड़ा क्लॉज और उससे बड़ा
सेंटेंस. ओके, अब मुझे बताइए यहां तक में किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम. मैम आई वांट टू मैम हायरार्की के मींस क्या होगा? हायरार्की की हिंदी क्या होती है? किसी को पता है हायरार्की की हिंदी क्या होती है? एक ऑर्डर में जो होती है, वंशानुक्रम. अब ये तो बड़ी डिफिकल्ट हिंदी है. जैसे हायरार्की मींस ओनर who someone try to manipulate or, someone. No, that is different. नहीं, वो हायरार्की नहीं है. हायरार्की हिंदी हिंदी हायरार्की की हिंदी मैम क्रम कह सकते हैं हिंदी. क्या कह सकते हैं? क्रम. हाँ, yes, order, yes. Order. हाँ, सही बोल रहे हो. क्रम. ठीक है, तो प्रसिद्ध क्रम होता है. और ना जैसे शुरुआत में लेटर, ठीक है, उसके उससे बड़ा वर्ड से फ्रेज से क्लॉज, तो इस तरह से क्रम होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. इसको मैं क्लियर कर रही हूँ. अब देखिए, मैंने एक टर्म यूज किया है. कैसे मैंने लाइन खींची है? एनीवेज, एक टर्म यूज किया है, वो है सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद भी मैं अगर पूछूं कि सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग क्या होता है, आप लोगों को भूलना नहीं है. इनफैक्ट आप सारे रूल्स भूल जाओ, मगर सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग वाला रूल कभी नहीं भूलना है. ठीक है, और वो रूल क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, और फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो मैं इस सेशन नहीं करवाना चाहती हूँ. नेक्स्ट कल ये चैप्टर शुरू करूंगी, जिसका मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूँ. ठीक है, अब देखिए, सेंटेंस में तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड. ये सेंटेंस में तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, फाइन. अब कौन सा वर्ब लगेगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब इज लगाना है, वॉज लगाना है, वर्ड लगाना है, डू लगाना है, डज लगाना है. हाउ डू वी डिसाइड दैट विच वर्ब इज गोइंग टू बी प्लेस नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट? कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो हाँ, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें. ठीक है, मगर कैसे डिसाइड करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तो ये चीज मैं नेक्स्ट सेशन में शुरू करना चाहती हूँ. अभी मैं सिर्फ पेयरिंग के बारे में मैं बता देती हूँ कि हम सब्जेक्ट डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, क्यों डिसाइड करता है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी. फिलहाल सुनो, सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग क्या होता है, ये पेयर क्या होता है वो मैं बता दूंगी. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन, तो वो भी एक वचन रहेगा. यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वो भी प्लूरल रहेगा. ओके, बहुवचन. यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो वो भी प्रेजेंट रहेगा. और यदि सब्जेक्ट पास्ट है, तो वो भी पास्ट रहेगा. इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब का पेयरिंग, जिसपे क्वेश्चन बहुत आते हैं. और ये सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है ना, वो अधूरा रह जाएगा आपका. और आपका वॉइस अधूरा, आपका स्पीच अधूरा, मोडल्स इन यू नेम द चैप्टर एंड दैट चैप्टर विल बी इम्पेयर्ड इफ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. अगर ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आएंगे. तो इसपे आप समझ लीजिए, जब मैं ये चैप्टर शुरू करूंगी, तो मुझे 10 सेशन शायद या 8 सेशन मुझे लग जाएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाकर, टास्क वास करवाकर. ठीक है, तो इसपे हमें बात करनी है, और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, और इसपे ही बेस्ड एक्चुअली में अब हमारा सेशन स्टार्ट होगा कल से, और इसी में आपके क्वेश्चन होंगे. टास्क अगर आप देखोगे, अगर जिसके पास ये बुक आ गई है, इसमें टास्क होंगे, बहुत कुछ होगा, मतलब यहाँ से असली आपका ग्रामर शुरू होता है. ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप लोगों को किसी भी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो मैं क्लास एंड कर दूंगी आज. कोई भी प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट वर्ब पेयरिंग जो है
उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही वही वाला है ना सेम मतलब हाँ करेक्ट अब देखो हाँ राइट अमित अब देखिए अग्रीमेंट है ना मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि अग्रीमेंट में मतलब कि ना एडजस्टमेंट जो बोलते हैं ना वो बहुत कॉमनली यूज बहुत फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है यार एडजस्ट करना सीखो यार हम बहुत नहीं बोलते हैं हम ये नहीं बोलते यार अग्रीमेंट करना सीखो मगर हम एडजस्टमेंट भी यूज वेरी ऑफन इसी की वजह से मैंने ये एडजस्टमेंट टर्म यूज किया है। हाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखना ये बैच मतलब मैं मुझे कल ही बताना चाहिए था मतलब मैं आज ही बता रही हूँ ग्रामर के जो रूल्स है ना मैं रूल्स को कभी चेंज नहीं करूंगी मगर समझाने के तरीके को मैं बहुत ज्यादा ट्विस्ट करती हूँ बहुत ज्यादा ट्विस्ट करती हूँ और बहुत नए टर्म्स मैं यूज करूंगी मतलब जैसे फॉल्स कंजंक्ट ट्रू वर्ब फॉल्स वर्ब और पता नहीं कौन कौन से टर्म्स मैंने खुद से इजाद किए हैं वो सारे टर्म्स मैं यूज करूंगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो I mean, they do not accept such, you know, novel kind of terms, never heard of such terms. तो उनको ना वो accept नहीं कर पाते. Then they search on Google की अरे ये term ma'am use कर रही है true verb, false verb, अजीब अजीब तरह के terms and they don't find on Google. Obviously, ये मैंने खुद ही इजाद किए हैं ताकि मैं rules जो इतने complicated rules हैं ना उसको मैं बहुत simple बना सकूँ. इसीलिए तो मतलब इसीलिए ना आप लोग है ना जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ अपना ना पूरा टाइम एनर्जी वेस्ट मत करना गूगल में सर्च करने का मेरा एम यही है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ ये एम है तो उसके लिए अग्रीमेंट को मैंने एडजस्टमेंट कर दिया गॉट इट तो अच्छा हुआ अमित ने पूछ लिया मुझे ध्यान आ गया ओके तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे रूल्स चेंज नहीं होगा मगर उसको समझाने का तरीका बहुत ज्यादा ही ट्विस्ट कर दिया जाएगा और नए नए टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे मगर वो टर्म्स ऐसे होंगे जो आप लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं टर्म्स। अब जैसे मैं फाइनाइट वर्ब्स इनफाइनाइट वर्ब्स मैं कभी यूज नहीं करूंगी इनफाइनाइट फाइनाइट वर्ब्स मैं यूज ही नहीं करती हूँ क्या मतलब इतना भारी भरकम शब्द यूज करके आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है ना इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व होना वो हो जाएगा विदाउट दीज टर्म्स ओके मगर मैं बता जरूर दूंगी कि दीज आर इनफाइनाइट वर्ब्स एंड दीज आर फाइनाइट मगर इसको यूज नहीं करूंगी ज्यादा एनीवेज और कुछ कोई और क्वेरी ठीक है तो हम इस क्लास को ओवर करते हैं और थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू रिकॉर्ड वरना मैं हमेशा भूल जाती हूँ आज अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है ओके ठीक है क्लास एंड कर दो फिर स्टूडेंट्स ओके मैम बाय मैम बाय थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट मैम गुड नाइट ओके